हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को लेसन 12 इसका नाम बिट क्लॉक है, इस चैप्टर का जो है मैं आज क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। आप लोगों का जो है पढ़ाई जो है ऑनलाइन से शुरू करना पड़ा है, क्योंकि शीतकालीन और ठंड के चलते जो है डीएम का आदेश हुआ है कि स्कूल बंद रहेगा, इसलिए जो है फिर से जो है आप लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई जो है शुरू किया गया है। तो आज जो है मैं आप लोगों को लेसन 12 जिसका नाम बीट क्लॉक है, इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। बी 1-1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है आपको लघु उत्तरीय में देना है, छोटा में देना है। तो इसमें जो है क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम, आप जो है समय बर्बादी से कैसे बच सकते हैं। तो हमें जो है समय बर्बादी से जो है एक प्रॉपर समुचित जो है हमें जो है एक व्यवस्था करनी चाहिए कि हमें कौन से काम जो है किस समय करना चाहिए, जिसके लिए जो है हमें जो है एक प्लानिंग करना चाहिए, योजनाबद्ध अगर हम काम करते हैं तो इससे जो है हम समय भी बचा सकते हैं और दूसरा जो है सही से हमारा काम भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ शुड वी कीप आवर टेबल क्लॉथ फ्री, हमें जो है अस्त व्यस्त जो है सामान को जो है फ्री रखना चाहिए, यानी अस्त व्यस्त चीजों को जो है हमें सामग्री को जो है नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अस्त व्यस्त जो है सामान को रखते हैं तो वहाँ पे जो है अगर किसी चीज को ढूंढना होता है तो हमें बहुत सारे टाइमिंग भी लगता है, कभी कभी वो समय पे वो सामान मिल नहीं पाता है, इसीलिए जो है हमें जो है अस्त व्यस्त सामान को क्या नहीं रखना चाहिए, हमें जो है जो सामान जो है जहाँ जरूरत है वहीं पे उस सामान को रखना चाहिए, ताकि जो है हमें एक निश्चित या खास समय पे जो है वो सामान जो है हमें मिल जाए। अगला है, व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू डू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, आपको जो है कौन से काम करना है, इसे जो है आप कैसे जो है करेंगे। तो इसके लिए जो है हमें जो है ये देखना होता है कि हमें जो है सबसे पहले कौन सा काम जरूरी है, तो पहले उस काम को पूरा करेंगे, उसके बाद से जो है अगले काम पे जो है हम ध्यान देंगे। मान लीजिए कि हम सुबह जो है हमें जो है विद्यालय जाना है और उसमें जो है कुछ जो है लोगों से भी मिलना है, तो पहले हमें मालूम है कि हमें जो है सबसे पहले जो है विद्यालय जाएंगे और विद्यालय आने के बाद से जो है इतने बजे जो हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप दोनों काम को पूरा कर दिए और यही जो है आप जो है मम्मी बोल दी है, तो यानी आपके घर वाले जो बोल दिए उस काम को पूरा करने लगे और फिर जल्दीबाजी में जो है स्कूल में आए तो स्कूल का भी काम किया और कुछ कॉपी घर पे छूटा, फिर आप जल्दी जल्दी घर पे गए तो वहां पर भी आधा अधूरा हुआ। इसीलिए जो है हमें जो है एक जो है निश्चित जो है समय देना चाहिए और हमें जो है पहले जो काम करना है उसे जो है हमें पहले काम करना चाहिए, उसके बाद से जो उसके बाद वाला काम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम, आप जो है समय बर्बादी से जो है कैसे बच सकते हैं। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, हमें जो है प्रॉपर एक समुचित जो है खास जो है संगठन यानी एक जो है पर्ची बनाना चाहिए जिसके अनुसार हमें कौन कौन सा काम करना है, इसे जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक प्लानिंग योजना भी बनाना चाहिए कि हम जो है कैसे काम करेंगे तो हमारा काम भी पूरा हो जाएगा, हम पे लोड भी ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये जो है हमारे जो है समय बर्बादी से जो है वो बच सकते हैं। दूसरा है, व्हाई शुड वी कीप आवर टेबल क्लटर फ्री, हमें जो है टेबल क्लटर यानी अस्त व्यस्त सामानों को जो है हमें कैसे जो है फ्री रखना चाहिए, तो क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पढ़ने वाला एक टेबल रखे हुए हैं इसमें जो है सारी चीजें हम रख देते हैं और हमें जो है एग्जाम देने जाना है और उस समय नोट्स ढूंढना है, तो कैसे ढूंढ पाएंगे, पेपर हटाएंगे ये ढूंढेंगे, और ये जो है हम जो है एक सब्जेक्ट के जो है एक जगह उसका पेपर भी नहीं बनाया है, तो रफ में जो है ढूंढते जो है हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और हम क्या हुआ उस चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ के भी नहीं जाएंगे, इस तरह से क्या हुआ समय भी बर्बाद होगा और उस हिसाब से क्या हुआ हम लोगों का काम भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ टू अवॉइड डिस्टर्बिंग और फाइंडिंग थिंग्स, हमें जो है ऐसी चीजों को हटा देना चाहिए जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, यानी रफ कॉपी है, रफ कॉपी में जो भी है अलग अलग सब्जेक्ट का हमें जो है पेयर बनाना है वहां पे हमने रख दिया, तो वो क्या डिस्टर्बिंग चीज हो गया और उस रफ कॉपी में खोलेंगे ना 10 चीजें हमारे दिमाग में आएगी। कहने का मतलब है आपका एग्जाम जो है वो साइंस का है
तो साइंस का हमने नोटबुक खोला और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसी से हम साइंस का ही पढ़ेंगे, और वही नोट रफ के नोटबुक में अगर हम ढूंढना चाहते हैं फिर कुछ इधर और उधर का बातें आ जाएगी, जिससे क्या हुआ हम लोग सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो समान को जो है ढूंढना है, इसमें क्या हुआ ये जो है बाधक होने से बचना चाहिए। वन स्टेप टू डू इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, हमें जो है जो चीज पहले करना है वी शुड मेक आवर लिस्ट आवर वर्क अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, हमें जो है इसके अनुसार जो है एक जो है लिस्ट बनाना चाहिए और उस हिसाब से जो है हमें जो है जो प्राथमिकता देना चाहिए कि पहले हमें कौन सा काम करना है, इसके बाद से कौन सा काम करना है, इसके अनुसार जो है हमें काम करना चाहिए। तो आज जो है मैंने जो है आप लोगों को इस चैप्टर का जो है B11 का जो है क्वेश्चन आंसर बताया। अगले वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो है टू एंड फोर्स के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, दैट ऑल।